अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हदीका कियानी। Indus.News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम आपका बलोचिस्तान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान और इस वक्त हम मौजूद हैं नौशकी में। आपको बताते चलें कि नौशकी 2004 में इसको बाज़ाब्ता तौर पे ज़िले का दर्जा दिया गया था। नौशकी की खासियत यह है कि इसका जो जियोग्राफिकल लैंडस्केप है वो उसमें सहरा भी हैं, उसमें एक झील भी है जो कि यहाँ की फेमस झील है, और ब्लैक माउंटेंस का एक सिलसिला है जो कि नौशकी के हुसन को दुबाला करता है। नौशकी को एक तरफ इनाम बोस्तान सरहद जो कि अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करती है, जबकि अफ़गानिस्तान का जो उस तरफ सबसे पहला इलाका है वो शोरावक है जो कि पाकिस्तान और अफ़गान इंटरनेशनल बाउंड्री आप उसको कह सकते हैं, जो सरहद है। नौशकी के हवाले से सबसे अहम बात यह कि यहाँ जो बलोच कबाइल आबाद हैं उनमें बादीनी, जमालदीनी और मैंगल कबाइल यहाँ ज़्यादातर आबाद हैं। उनके अलावा यहाँ सासोली कबीला और कुछ दिगर कबाइल भी यहाँ आबाद हैं। इसके अलावा अगर हम नौशकी के हवाले से बात करें तो ये ज़राअत के हवाले से एक ज़रखेज़ इलाका है। इस ज़िले में मुख्तलिफ फसलें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, बिलखसूस अंगूर के लिए खरबूजा, तरबूज, ये वो फल हैं जो कि इस ज़िले से पाए जाते हैं और ये इंतहाई जायकादार होते हैं, और मौसम गर्म होने की वजह से यहाँ फल बाकी सूबे की नस्बत जल्द तैयार होते हैं। यहाँ के ज़राई रकबे से मुस्तफ़ीद होने के लिए यहाँ सरकारी सतह पर ट्यूबवेल्स का भी इनेकाद किया गया, और इस इलाके के मकीनों को साफ़ पानी की फ्राहमी के लिए हुकूमत बलोचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के तावन से उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ट्यूबवेल्स का क्याम अमल में लाया गया है, जिससे यहाँ के लोकल साफ़ पानी की सहूलत से मुस्तफ़ीद होते हैं। इसके अलावा इस ज़िले में रिच ब्रोच कल्चरल ज़िला आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल अब बेहतर है। हम यहाँ आए हैं क्वेटा से तकरीबन 144 किलोमीटर का फासला तय करके। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी बात, इस सारा में आके आपको आइडिया होता है कि इसमें एक जीप रैली का पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ बड़े लेवल पे जीप रैलीज का इनेकाद किया जा सकता है। अगर हम कंपेयर करें दुबई के साथ तो इसमें उससे ज़्यादा पोटेंशियल है, और अगर यहाँ हम इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करे, यहाँ जीप रैलीज का फ्यूचर में इनेकाद हो, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया से जीप रेसर्स इसमें हिस्सा लेंगे, और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इसका पोटेंशियल है, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे लोकल्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हम आगे जाएंगे, आपको मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम नौशकी के ईसा चाह स्कूल में मौजूद हैं जो कि बॉयज़ हाई स्कूल है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कल्चरल एक इवेंट हो रहा था। हमें पता चला, हम भी यहाँ आए, हमने कहा कि जो नौशकी का कल्चर है, जो बलोचिस्तान के गैरतमंद बलोचों का कल्चर है, हमारे साथ यहाँ के कबायली मोतबर मीर गुलाम शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर, थोड़ा सा बताइएगा कि जो आपका बलोची कल्चर है वो वैसे भी बड़ा काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ आके हमें देख के। ये जो कुछ चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और क्या बैकग्राउंड है, ये बेसिकली आप क्या इस्तेमाल करते थे? ये जो है इसको हम बोलता है हिजक, ये लटका हुआ, ये लकड़ी को बोलता है हम त्रिकड़। अच्छा, ये इसमें लस्सी भरते हम, फिर इसको जो है घुमाते हैं, ये इससे लस्सी, ये मक्खन निकलता है, मक्खन बनाते हैं। हाँ, मक्खन। अच्छा, तो सर आगे बताएं कोई दूसरी चीज क्या? अभी ये तलवार है हमारे पुराना बाप दादा। अच्छा, ये तलवार इस्तेमाल करते थे, पकड़ेंगे ना ताकि आज चले तो आप इसे किस तरह ना। अच्छा, तो ये लड़ाइयों में इस्तेमाल? हाँ, ये लड़ाइयों में इस्तेमाल, काफरों की लड़ाई में। ये कब? 1947 से पहले पहले। हाँ, तो
अब आपने बस अपने पास आज ये नाम लिखा हुआ इस पे सलमान खान, ये कौन थे? उसका नाम है वो, उसका सलमान खान ये मालिक इसके, यहाँ लाए उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, गुम बदल न जाए, गुम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कबायली पहचान है, तलवार। उस वक्त तलवारों से लड़ाई होती है? हाँ, उस वक्त तलवारों से, वो घोड़े और तलवार। अच्छा सर, और क्या चीज़ बताएं? ये पुराना हमारा शिकारी राइफल है। हाँ, ये चीज़ है सब। इसको आप उठाएं कैसे, आप शिकार करते थे? निशाना अगर आप लें तो किस टाइप में लेते थे? अभी ये इसमें हम बारूद भरते हैं, छर्राव भी डालते हैं वहाँ से। हाँ, यहाँ से। अच्छा अच्छा। यहाँ एक टोपी रखते हम लोग, बस शिकार आ गया हमारे सामने, बस मारते। अच्छा, जबरदस्त। ये अच्छी बात है कि हिफाजत के लिए। और ये मेरा ख्याल आपकी कालीन है रवायती? हाँ, ये बलोची इसी धागा के जरिए से हमारी। अच्छा, ये वही बकरे की ऊन उससे इसको बनाया है, दुम्बे की ऊन से। हाँ, दुम्बे की ऊन से, ऊंट की ऊन से ये बनाया है। बकरी ऊंट के ऊन भी इस्तेमाल? बिल्कुल, बकरी का, ऊंट का सब इस्तेमाल। और यही घरों में बनाते हैं? हाँ, यही। लेकिन इसको आप कहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि बेचने का वाला काम आप लोग नहीं करते? नहीं, पहले जमाने में लोग इसको बनाते थे, बेचते थे भी। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त हाजी साहब, ये तो बड़ा बेहतरीन है। नाज़रीन, आपने देखा ये बलोची कल्चरल चीज़ें जो हमने आपको दिखाई, जो आज भी बलोचिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। और बलोचिस्तान की शान यही है कि ये अपना जो कल्चर है उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वक्त के साथ साथ आपको बदलनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी बलोच घरों में, जैसे कि हाजी साहब ने हमें बताया, कि उसी तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। और ये एक एंड पे जो मुझे एक चीज़ समझ आई यहाँ कि अगर ये दरियाँ इस लेवल की चीज़ अगर घरों में बनाई जा सकती है, तो अगर बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का जो शोबा इस चीज़ को देखता है, वो यहाँ ख्वातीन की एम्पावरमेंट के लिए कोई स्टिचिंग सेंटर्स या कोई ऐसी चीज़ बनाए, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं बलोची चाप की तरफ, जो कि बलूचिस्तान की काबिले फ़ख्र एक ट्रेडिशन है। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नौशकी में, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। यकीनन बलूचिस्तान के लोगों का और बिलखसूस नौशकी के लोगों का जो अंदाज़ है, वो बड़ा काबिल फ़ख्र है, रवायती है और अपनी एक तारीख रखता है। हमारे साथ रहिएगा, हम जाएंगे कुछ बुज़ुर्गों से भी बात करेंगे और आपको नौशकी के लोगों के रहन सहन के बारे में बताएँगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका जो है मेरा ख्याल सहन है, लग रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि मौसम तो इतना गर्म है कि दिन में तो आप बहुत गर्मी आजकल बहुत ज्यादा है, शाम को आप लोग यहाँ बैठते हैं? बाहर बैठते हैं या बाहर नहीं? बाहर बैठते हैं, सोते भी बाहर, यही हम लोग चारपाई है, वो चमनी है। अच्छा अच्छा, यहीं पे मतलब रात को सोते भी बाहर? जी, बाहर सोते हैं। ठीक है ठीक है। तो घर का अब बाकी हिस्सा भी अगर आप हमें दिखाएंगे, बैठना उठना कैसे है, बाकी चीज़ें थोड़ा सा रेंट सेंट का अंदाज। अजी साहब, किचन की तरफ आप अगर हमें ले जाएं, ताकि वो हम अपने देखने वालों को दिखा सकें कि उसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है बाकी।
सर जी हम मौजूद हैं नौशकी में, और जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ के सहरा को, यहाँ की खुशकी को, बाकी चीज़ों को, वहीं हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के तावन से लोकल्स को ट्यूबवेल्स की फरहमी मुमकिन बनाई गई है, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त भी हम एक खेत में मौजूद हैं, फसलें हैं। हमारे साथ हाजी नौरोज़ बादिनी साहब हैं। सर बताइए कि कौन कौन सी फसलें यहाँ उगती हैं और कितनी मकदार में उगती हैं? दो मौसम में हम लोग इधर काश्त करते हैं। मौसम गर्मा में ज्वार है, तरबूजा है, खरबूजा है, अंगूर है। यहाँ का अंगूर बहुत मीठा है। और सुना है कि यहाँ का अंगूर सबसे पहले तैयार हो जाता है? सबसे पहले मौसम में तैयार होता है, क्योंकि बाकी पाकिस्तान में तो अंगूर अभी आना शुरू हुआ है, अभी भी वो तैयार नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो सुना है खत्म हो रहा है। हमारा सर जून से तैयार होता है हमारे पास, तो ये समझे कि दो महीने पहले तकरीबन बाकी सीजन को सुबह के लिए यहाँ से तैयार होता है, खत्म हो जाता है जी सर। बाकी आप फसलों का बता रहे थे, गर्मा की आपने बताई कि ये चीजें खरबूजा, तरबूजा, ये होता है इधर, ठेठ होता है, जायकेदार होता है सर हमारे इलाके का। ठीक है, लेकिन आपको क्या जो पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो सरकारी ट्यूबवेल्स फराम कर रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? पीने का है सर, आगे गरे हैं, अनाबोस्तान है, गरी है वगैरह वगैरह, इनके लिए जाते हैं पीने के लिए। हमारे घरों में भी पीने का पानी इधर से इस्तेमाल होता है सरकारी ट्यूबवेल। अच्छा, यानी सरकार जो है वो यहाँ के लोगों को पीने का पानी, पीने का पानी, उधर पानी कड़वा है, इस वजह से पानी यहाँ से जाता है सर उधर 15-20 किलोमीटर आगे। अच्छा, नाजीन कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी का, कि नौशकी के रहने वालों के लिए ट्यूबवेल के जरिए साफ पानी का इंतजाम किया जाता है पीने के लिए। जी सर। तो और कौन सी फसल होती है सर? गर्मा की तो आपने बताई, मौसम सरमा में गर्मा में कपास भी होता है सर, ये आप सामने देखो कपास है सर। ठीक है, और सरमा में गंदम है, गाजर भी हम लोग अभी काश्त करते हैं, जव है। यानी ज़्यादा यहाँ के लोगों का रोज़गार वो इसी ज़रात पे मुश्तमिल है? ज़रात पे है सर, मालदारी, माल मवेशी और ज़रात, माल मवेशी भी है और ज़रात जी सर जी। तो आप बेसिकली ये करते हैं, काश्तकारी करते हैं? जी सर। नाज़रीन, नौशकी के लोगों का सादा लेकिन पुरवकार तर्ज ज़िंदगी यकीनन आपको पसंद आएगा। हम अभी नौशकी में ही मौजूद हैं, बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम नौशकी के तारीखी मंदिर में मौजूद हैं, जिस मंदिर को शिवाला मंदिर कहा जाता है, और ये तकरीबन 1923 में इसकी तामीर की गई थी। नौशकी में हिंदू बिरादरी की खासी तादाद यहाँ मौजूद है और एक अरसे से रह रहे हैं, और यकीनी बात है कि जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो तब जो लोग जो जहाँ भी रहा वो वही उसका वतन था, और इसी तरीके से हमारे जो हिंदू बिरादरी है नौशकी की, वो अपनी सरजमीन पर कैसे रह रहे हैं, और उनके जो नौशकी में लोकल लोग जो दिगर कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और इस मंदिर के हवाले से जानने के लिए हम यहाँ आए। हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत, हिंदू पंचायत के मेंबर गिरदार हिलाल साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और हमें मौका दिया कि हम आपका ये तारीखी मंदिर स्क्रीन के जरिए लोगों को दिखा सकें। तो सर सबसे पहले इस मंदिर के बारे में बताइएगा कि आपका ये जो तामीर है उसके बाद से अब तक कितनी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, बाकी ज़िलों से भी लोग यहाँ आते हैं या सिर्फ नौशकी के लोग ही यहाँ इबादत के लिए आते हैं? नहीं, आते हैं दूसरे ज़िलों से भी आते हैं। ये 1923 में तामीर हुआ था ये मंदिर, उससे पहले का है। मतलब यहाँ पे हमारे नौशकी में हमारी काफ़ी कम्यूनिटी, हिंदू कम्यूनिटी रहती है, 120-130 घराने हैं जो बिफोर पार्टीशन
उस वक्त से यहाँ पे आ पाते और आते हैं, यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं और हमारे जो अपने यानोशकी की वो भी आते हैं इबादत के लिए। सर ये बताएं कि यहाँ हिंदू बरादरी का वैसे ओवरऑल क्या बिजनेस है, मोस्टली लोग जॉब्स करते हैं क्या करते हैं? ज़्यादा बिजनेस करते हैं, उनकी दुकानें हैं शहर में। और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कैसा आपका इंटरेक्शन रहता है? बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमत के साथ साथ कबाइल भी हमारी प्रोटेक्शन करते रहते हैं हमेशा, उस दौर में भी की आज भी हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और पुरान तरीके से मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर यकीनी बात है आपका वतन है और आपका भी उतना ही राइट है जितना कि किसी का, मेरा या हमारे देखने वालों का है। अभी आप देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत के ऊपर एक जंगी जुनून है गुज़श्ता कहीं कुछ अरसों से, जब इलेक्शन हुआ उसके बाद दोबारा से नरेंद्र मोदी साहब फिर एक उसमें अग्रेसिव हो गए हुए पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखें एक बात बताऊं, ये सियासी शोबाजी है, इंडिया कभी नहीं लड़ेगा पाकिस्तान से, वो जानता है अगर मैं लड़ा तो पाकिस्तान मेरा क्या कुछ हो सकता है। ये तो सिर्फ सियासी शोबाजी करते हैं, बाकी लड़ नहीं सकता पाकिस्तान से, इंशाल्लाह उसमें हिम्मत नहीं। और अगर उसने कभी गलती की तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी उसको क्या पैगाम देंगे? अगर खुदा ना हस्त लड़ाई होती तो इंशाल्लाह सबसे पहले गिरदारी लाल, सबसे पहले इंशाल्लाह अपनी पाक आर्मी के साथ अपने लोगों के साथ मौजूद हो। ये हमारा मुल्क है, हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर। गिरदारी लाल साहब ये बताइए कि भारत ने जिस तरह कश्मीर में जुल्म सितम का एक सिलसिला शुरू कर रखा है और अब तो मकबूजा कश्मीर से उन्होंने जो खसूसी हैसियत थी आर्टिकल 370 वो भी ख़त्म कर दिया, तो कश्मीर में भारतीय मजालिम के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जुल्म कर रहा है ये आवाम पे, जुल्म कर रहा है, ठीक है ना। 370 आर्टिकल 370 उन्होंने जो ख़त्म किया ये भी गैर आनी। देखिए यूएनओ ने भी एक करारदाद पास की, कम से कम उसको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। बिल्कुल, तो गलत कर रहा है, जुल्म कर रहा है वहाँ पे बेचारों को, शहीद खम खमनाक लोगों को, आवाम को। आवाम को मौका दें, आवाम अपनी राय दें, जो चाहें वो रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते क्या। हाँ जो एक्सेप्टेड है कि आप इस्तेसवाब राय कराने के लिए, इस तरह जोर ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकता, कब तक जोर ज़बरदस्ती करेगा? एक दिन तो आएगा लाजमी उनको मतलब आवाम को उनके हकूक और उनका फैसला करने का मौका दिया जाएगा। तो आप यानी नौशकी से उनके कश्मीरियों के लिए हमदर्दी का मैसेज? बिल्कुल, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं। तो जुल्म हो रहा है, जुल्म के मजम्मत करते हैं, बिल्कुल बतौर पाकिस्तानी इस तरह नहीं होना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ। कौन सा मज़हब इस तरह इजाज़त देता है? अच्छा जो भी मज़हब हो, हिंदू मज़हब हो, इस्लाम हो या ईसाई हो, इस तरह मतलब जुल्म नहीं करना चाहिए अपने शहर। इंसानियत सबसे एक इंसानियत का एक अपना दर्जा है, ज़ाहिर है उसको आप कभी भी वायलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल मज़म्मत करते हैं इसकी, जुल्म हो रहे हैं शहरियों पर, मुतालबा करते हैं बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया गिरदारी हलाल साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ हिंदू पंचायत नौशकी के मेंबर गिरदारी हलाल साहब मौजूद थे, इनसे हमने गुफ्तगू की और आपको भी यकीनी तौर पर यह जान के खुशी हुई कि नौशकी में हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो मिसाली है, एक दूसरे की गमी खुशी में सब एक साथ रह रहे हैं। और जो बड़ा बेहतरीन मैसेज आज गिरदारी हलाल साहब ने दिया कि हुकूमत हिंदुस्तान बिलखसूस नरेंद्र मोदी जिस जंगी जज्बे और जुनून की बातें करता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज़ एक जंगी महाज खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर गिरदारी हलाल साहब ने बड़ा बेहतरीन तजिया भी किया और इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अगर कभी भी ऐसी कोई गलती की तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई खड़ा होगा तो वो नौशकी हिंदू पंचायत के मेंबर गिरदारी हलाल साहब होंगे। ये वो जज्बा है जो यकीनी तौर पे हर पाकिस्तानी में है, बिला तफरीक इसके कि कौन किस मज़हब से है, किस कौम से है, किस सूबे से है, किस फिरके से है, हम सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो आज गिरदारी हलाल साहब ने नौशकी के इस तारीखी शिवाला मंदिर से पैगाम दिया है, यही पूरे पाकिस्तान का मैसेज है और यही वो हमारा जज्बा है जिसके तहत ये वतन अजीज़ कायम दायम है और इंशाल्लाह ताक़यामत कायम दायम रहेगा। الله اكبر الله اكبر हम मौजूद हैं जामे मस्जिद नौशकी में और हमारे साथ जामे मस्जिद नौशकी के खतीब हाफिज़ फरीद साहब हमारे साथ हैं। सर आपको ज़हमत देने का मकसद ये था कि एक तो ये तारीखी मस्जिद है हमें बताया गया, सबसे पहले आप इस मस्जिद की तारीख के हवाले से बताइएगा कि ये कब बनाई गई, और बताया ये जा रहा हमें इर्द के लोगों ने बताया कि सबसे पुरानी मस्जिद है नौशकी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। मोहतरम मस्जिद तकरीबन 1800 के लगभग करीब इसी दिन के हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पुरानी और सबसे मस्जिद है और जुमा नमाज और तरावियाँ सबसे पहले यहाँ पढ़ाई जाती थी,
اس کے علاوہ دوسری مساجد میں نہیں تھی سوائے حضرت کی. یعنی یہ ضلع چاغی کی نوشکینی ضلع چاغی کی سب سے بڑی مسجد کہلاتی تھی. اب چونکہ دونوں ضلع الگ الگ ہو گئے, چاغی الگ ہو گیا, نوشکی الگ ہو گیا, یعنی پہلی مسجد اور مرکزی مسجد یہی ہے, اس کے بعد دوسرے مسجدیں وغیرہ بنتے رہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہیں بالکل سامنے ہم نے دیکھا کہ مندر بھی ہے. جی جی, ہم وہاں سے بھی ہو کے آئے اور بڑا وہ آپ کی تعریفیں کر رہے تھے. جی جی, تو ہم نے کہا ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا وہاں کا ہندو کمیونٹی کے ساتھ کیسا آپ کا تعلق ہے؟ الحمدللہ بہت زبردست. یہ مندر تو تھوڑا سا پھر بھی دور پڑتا ہے, یہاں ایک بالکل مندر قریبی ہے, بالکل ساتھ ہی مسجد ساتھ ٹچ ہے. یہ جو آبادی کہلاتا ہے, جو ہماری مسجد ہے وہ ہندو محلے میں ہے. یہ محلہ جو کہلاتا ہے وہ ہندو محلہ کہلاتا ہے. یہ مرکزی جامع مسجد یہ ہندو محلے میں ہے. الحمدللہ پرانے مولوی محمد افضل صاحب کے زمانے سے, مولوی بسم اللہ صاحب کے زمانے سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں. ابھی ان کی جو صبح کی ٹائمنگ ہوتی ہے عبادت کے لیے, جو لوگ اپنے طور پہ اعلان کرتے ہیں, ان کا کوئی ارن وغیرہ بجاتے ہیں, تو یہ طے ہوا تھا کہ پہلے آپ یا پہلے ہم. ابھی تک وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ پہلے وہ لوگ ہیں, اس کے بعد ابھی ہم لوگ. پہلے آپ. ابھی ہمارے یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں تعزیتوں پر ایک دوسرے کے جانا ہوتا ہے, وہ ہمارے قبرستان پہ آتے ہیں, ہم شمشان گھاٹ پہ چلے جاتے ہیں, میں خود چلا گیا ہوں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں. یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں سب سے پہلے ہمارے تعزیتوں پہ تین تین دن تک ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. مطلب بڑے اچھے وہ ہیں, ہمارے تعلقات ہیں دوسرے, کوئی وہ نہیں ہے, کوئی فرقہ واریت کچھ بھی الحمد للہ نہیں ہے. بہت شکریہ حافظ فرید صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ نوشکی جو کہ ایک ویسے بھی بڑا اہم شہر ہے, تاریخی شہر ہے, اور اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی جو ہمیں یہاں نظر آئی کہ جہاں جو ہندو مسلم برادری کی آپس میں بین المذاہب ہمانگی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. یقینی طور پہ یہ بھائی چارے کی جو فضا ہے یہی پاکستان کا حسن ہے, اور یہی دنیا بھر کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان ایک پرامن, اپنی اقلیتوں کے تحفظ کرنے والا, اسلام کے سنہری اصولوں پہ چلنے والا ملک ہے. السلام علیکم, میں ہوں حدیقہ کیانی. انڈس ڈاٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.